की लंबी कतार है। आइए उन्हीं का अनुभव जानते हैं। लेकिन कई यहाँ पे जो मिष्ठान बनते हैं वो पूरे बिहार में और दूसरे प्रदेशों में अपनी पहचान रखते हैं। कम मात्रा में रहेगा लेकिन उसकी गुणवत्ता अलग रहेगी। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोहतास बाज़ार में स्थित इस दुकान की क्या खासियत है और इस यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलते हैं या जो मिठाई प्रतिष्ठान ये जो बनते हैं उसकी क्या गुणवत्ता है। ये बताइए कि जिस दुकान में आप लोग बैठे हैं इस दुकान की क्या खूबी है और क्या खासियत है इनके यहाँ जो बनने वाले प्रतिष्ठान हैं। ये दुकान 100 साल पुरानी है, सखी चंद प्रसाद जी का। यहाँ पे तिलकुट, मुरब्बा और पेड़ा यहाँ का मशहूर है और इस शुद्धता का प्रतीक इसको माना जाता है, जिसमें हम लोग छठ पूजा में भी इस पेड़ा को चढ़ाते हैं, इतना इनके यहाँ शुद्ध है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ। ठीक, आप लोग जिस दुकान में बैठे हैं जी, दुकान की क्या खासियत है, यहाँ जो मिष्ठान बनते हैं उसकी क्या क्वालिटी और गुणवत्ता की चर्चा पूरे अभी हम लोग खाए हैं। इस दुकान के बारे में तो हम सुने थे, पहले कभी आए नहीं थे, आज हम फर्स्ट बार आए हैं और इनका एक तो मीठा खाए हुआ थी वाला, क्या होता है, पटल का मुरब्बा खाएँ, बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इनके पास बराबर आते रहे और खाते रहे और लेकर जाते रहे यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजित कुमार हुआ, आदर्श पंचायत समोता के मुखिया। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और जहाँ आप लोग बैठे हैं इस दुकान की क्या खासियत है और यहाँ से जो मिष्ठान या जो भी चीज़ें बनता है उसकी क्या खूबी है। जी, मेरा नाम सुधीर सिंह है, मेरा घर बखनौरा हुआ, वहाँ का मैं पैक्ट का प्रतिनिधि भी हूँ। यहाँ दुकान में बचपन से ही इस दुकान का मैं खासियत सुनते आया हूँ, जिनके सखी चंद प्रसाद जी थे, जो आज तक इस घर का अथी है कि इस घर में कभी भी डालडा या रिफाइन इस घर में अभी तक इन नहीं किया है, जो ही बनता है शुद्ध घी का बनता है। इनके यहाँ का खूबी पेड़ा का भी है कि आप और भी मार्केट से कहीं खोआ लेके जाएंगे या पेड़ा लेके जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद रखने घर में रखते हैं तो भूरी लग जाता है, लेकिन इनके यहाँ का पेड़ा है 2-3 महीने रखे लेकिन भूरी नहीं लगेगा। ऐसे भी हम लोग तीन संक्रांत के दिन होता है, इनके पास जो तिलकुट जाता है खोआ का, वो बहुत फेमस है यहाँ का, हम लोग लेके जाते हैं तो 4-10 दिन पहले नंबर लगाते हैं तभी हम लोग को मिल पाता है। और इसलिए यहाँ पे मार्केट के अंदर में दुकान है, फिर भी इनके यहाँ से जो भी हमारे जो जानकार यहाँ के लोग हैं, यहाँ से पेड़ा, यहाँ का तिलकुट, यहाँ का परवल पाक बहुत फेमस है, इसलिए लोग हम लोग आते हैं यहीं से लेके जाते हैं, या पर्व करना हो या कहीं रिलेशन में जाना हो तो हम लोग यहीं का पेड़ा लेके जाते हैं। इस दुकान का खासियत है कि शुरू से ही इन लोग घर में, और एक पहले भी हम लोग बचपन में इनके पास सुने थे कि कोई हमारे यहाँ रोहतास प्रखंड में कोई एक ठो थाना में कोई पदाधिकारी आए थे तो बोले थे इनके फादर को कि आप हमारे यहाँ लड़का का बर्थडे है उसमें आप हमारे यहाँ मिठाई बनाने आएंगे, बोले कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन वो अपना व्यवस्था किए थे तो उसमें डालडा मंगाए थे, बोले कि ये सब आप में हम डालडा में कुछ छुआए ही नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे, तो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने पूरे का घी, शुद्ध घी का व्यवस्था किए और अपने यहाँ सारे चीज़ को पार्टी दिए थे। आज तक इनका है कि कभी अपना डालडा में हाथ नहीं लगाए, रिफाइन घर में नहीं घुसता है। किस लिए आए और यहाँ की क्या है? मेरा नाम रवि कुमार पासवान है, मैं बकरौरा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और हम लोग यहाँ का खास जो पेड़ा है बहुत नामी है और यहाँ का तिलकुट विदेश तक नाम जाता है कि यहाँ का तिलकुट का नाम जाता है और हम लोग खासियत शौक से आते हैं। बाज़ार देखिए कि इतना से यहाँ 1 किलोमीटर बाहर है लेकिन 1 किलोमीटर अंदर में यहाँ मकान पड़ता है और हम लोग वहाँ से आते हैं मिठाई खाने के लिए और इनका स्वादिष्ट रहता है, बहुत सुंदर रहता है और हमारे इनके जो सबसे पहले पिताजी हैं वहाँ देखिए सचन मुताज का नाम है और यहाँ का बहुत ही सुंदर और मैंने शुद्ध चीज मिलता हुआ। इनफैक्ट हमारी जो टीम पहुंची हुई थी, आप देख सकते हैं दोपहर का समय है, इसके बावजूद भी एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान में क्वालिटीपूर्ण जो मिष्ठान है वो मिलता है और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है और इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ का जो पेड़ा है वो या परवल वाला जो मीठा है वो और कई तरह की चीज़ें हैं जो अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप अगर रोहतास में आते हैं तो रोहतास के लिए एक अपनी पहचान रखती है। तो अगर मेरे जो पेज हैं रोहतास दर्पण उस पर आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिख जाएगा। हम आप बात करते हैं जो दुकानदार हैं,
उनसे कि क्या इनकी अपनी पहचान है और रोहतास बाजार में किस तरह की मिठाइयों के लिए जाने जाते हैं। खोया के तिलकुट पर मुरब्बा और पेड़ा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। विश्वम्भर नाथ प्रसाद। अच्छा विश्वम्भर जी, हम लोगों को पता चला है कि आपके जो गार्जियन थे। हाँ सक्षण जी। सक्षण जी, उनके नाम से पूरे प्रदेश में आपकी गुणवत्ता और आपके यहाँ जो मिठाई बनता है उसकी गुणवत्ता की पहचान होती है। जी जी। आप अपने से बता दीजिए कि आपकी क्या पहचान है। और इन्हें जो पिताजी बनाते हैं उसी तरह हम भी बना रहे मिठाई, कोई फर्क नहीं है। हाँ क्या 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 बनाते हैं आप? परवर मुरब्बा पेड़ा तिलकुट खुआ का यही सब जी। आपका मीठा कहाँ कहाँ तक जाता है जो आप ही हैं? और लोग जहाँ लोग जाते हैं वहाँ लोग ले आते हैं लोग, और प्रशंसा ना करना चाहिए। अच्छा प्रशंसा आप खुद से नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम लोग को पता चला है कि आपके यहाँ का जो तिलकुट है वो पूरे बिहार में फेमस है। आपके यहाँ का जो परवर का मीठा है वो पूरे बिहार में फेमस है। जी जी। आपके यहाँ जो पेड़ा बनता है वो पूरे बिहार में फेमस है। अभी आपके पास कोई ऐसा अधिकारी वगैरह या कोई बड़े लोग आए जो आपके यहाँ से मीठा उठा लेकर जाते हैं या देश प्रदेश से लोग आते हैं? आते हैं सब लोग ले आते हैं जी। सामान हम खुआ कर लेकर नहीं बनाते हैं ना, घर ही खुआ करते हैं। जी जी। विश्वम्भर प्रसाद जी हैं और इनके बारे में साधारण लाइफ जीते हैं, कोई ये दिखावा नहीं है, लेकिन इनके पास जो मिष्ठान बनता है उसकी गुणवत्ता की चर्चा पूरे बिहार में होती है। अगर आप रोहतास और रोहतास बाजार में कभी आते हैं तो एक बार इस दुकान की ओर आपका रुख होना चाहिए और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं या तिलकुट है या परवल का जो ये मीठा होता है